पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में हत्यारों के हौसले बुलंद है। आए दिन हत्याएं होने से क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। बीती रात्रि सेयारी थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की निर्मम तरीके से हत्या कर दी और उसके बाद आज बासनी जोजावर में सर्वजातीय समुदाय समस्त ग्रामवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामवासियों ने उक्त हत्याकांड का पर्दाफाश करने, हत्याकांड की गुत्थी खोल हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए हैं और शव का दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया। सूचना से सोजत व्रत अधिकारी डॉक्टर हेमंत जाखड़, मारवाड़ विधायक खुशवीर सिंह और सिरियारी थाना अधिकारी सुरेश सारण मौके पर पहुंचे और लगभग 4 घंटे बाद मृतक के परिजनों और ग्रामवासियों से समझाइश की, तब जाकर ग्रामीण दाह संस्कार के लिए माने। थानाधिकारी ने हत्याकांड का शीघ्र पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। तो वहीं सुबह से आज अपार भीड़ ग्राम एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करने लग गई थी। गौरतलब है कि बुजुर्ग की 24 सितंबर रात्रि को उसके कृषि कुएं पर निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। मारवाड़ क्षेत्र में हत्या की वारदातों के बढ़ने से क्षेत्र में काफी आक्रोश का माहौल बना हुआ है। मोतीलाल ब्राह्मण की कल निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसकी कल पोस्टमार्टम करवा करके उसके पुत्र द्वारा राजेंद्र द्वारा नामजद एक अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है, जिसको 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वह जो नामजद मुलजिम है उसको राउंडअप करके पूछताछ की जा रही है और पोस्टमार्टम करवा के मेडिकल बोर्ड से लाश परिजनों को सुपुर्द की गई है।